मैं जसवंत सिंह, लाइफलाइन फाउंडेशन से। हम पिछले 2 सालों से बुढ़ा दरिया के ऊपर जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर पहरा दे रहे हैं। अभी जो बुढ़ा दरिया है ये जितना पोल्यूटेड आज की डेट में हो चुका है, इसको कैंसर का दरिया, आज की डेट में कैंसर की जो उत्पत्ति है इस बुढ़े दरिया के कारण, क्योंकि इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट और डेयरी का गोहा और इसके अंदर डाइंग इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड वाटर है, वेस्ट वाटर है, वो आता है। और जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं लगे हुए हैं लुधियाने के, कोई भी काम नहीं कर रहा, सबका सारा पानी इस बुढ़े दरिया के अंदर गिरता है। तो लोग भी इसमें डाल रहे हैं गंदा पानी। हाँ, क्योंकि लोगों के पास और ऑप्शन नहीं है। जितना भी सीवरेज अपने घर का पानी है, चाहे वो कपड़े धोने का पानी है, चाहे वो नहाने धोने का पानी है, वो भी घूम फिर के इसी बुढ़े दरिया में पहुँच रहा है। और ये बिना ट्रीटेड किए हुए आगे सीधा सतलुज में जाके मिल रहा है। और वो कैंसर आगे जितना भी गंगानगर है, बठिंडा की बेल्ट है, वो सारे को जो पानी सर्व हो रहा है वो सारा इसी के थ्रू जाता है और गंदा हो जाता है। लुधियाना के लिए कितना बड़ा अभिशाप है और आपको लगता है कि बीमारियों का कारण? हाँ, लुधियाने के लिए एक कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है। लुधियाना जो एक पवित्र धरती मानी गई है, एक इंडस्ट्रियल धरती मानी गई है, तो इसके ऊपर जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है उसके ऊपर ये एक बड़ा ग्रहण है। तो सरकार अब 650 करोड़ के रुपए लगाकर इसको साफ करने जा रही है, क्या लगता है कि हो जाएगा? नहीं, आशा तो बंधी है, क्योंकि आज जो हम पीछे से नहीं चलेंगे भी पहले क्या हुआ, आज लोग खड़े हैं, जागरूक हैं, भी लुधियाना को ऐसा रूप देखना चाहते हैं। कई एनजीओज जुड़ी हैं, खुद भी लोग अवेयर हुए हैं भी बुढ़े दरिया को अब वो कलंक को कलंक नहीं रहने देना, इसको एक अब हमने एक कलंक को एक शान बनाना है। भी बुढ़ा दरिया आने वाले फ्यूचर में आने वाले ये चीज़ बन के आए भी लुधियाने के अंदर बुढ़ा दरिया है, उसको इतना स्पष्ट और घूमने फिरने का साफ सुथरे बनाने का एक प्रोजेक्ट बन। 40 साल पहले बुढ़े दरिया का असली जो स्वरूप था ये बहुत साफ सुथरा था। जब से लुधियाने के अंदर तरक्की होती गई, इंडस्ट्री बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, तो ये धीरे धीरे इसको मतलब हमने गौर नहीं किया और ये पोल्यूटेड होता गया। सरकारों ने कोई गौर नहीं किया, लोगों ने कोई गौर नहीं, लोग भी जागरूक नहीं बने भी हमने अपना पानी है। गुरबानी के अंदर पानी को पवन गुरु पानी पिता कहा गया है, पर पानी को पिता नहीं माना, इसकी संभाल नहीं की हमने, तो उसी का हमारे को आज देना पड़ रहा है। तो जो बुढ़ा दरिया है इतना पोल्यूटेड हो चुका है, आले दुआले जो रहते हैं लोग, क्या लगता है कि पानी किस तरह का है उनका? आने पोल्यूटेड हो चुका है बिल्कुल। जो बुढ़े दरिया के आसपास के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो स्वास्थ्य का जो एक लिमिट है ना, वो बहुत गिर चुकी है। वो बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और मतलब वो डिजीज़ भी ऐसे होते हैं, चाहे काला पीलिया के इतने पेशेंट हमारा हेल्थ केयर सेंटर भी है, इतने डिजीज़ सामने आ रहे हैं। कैंसर बहुत बढ़ चुका है लुधियाने के। अगर पंजाब को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो कैपिटल ऑफ कैंसर जो बनती है तो पंजाब है, तो पंजाब के कैपिटल ऑफ कैंसर कहा जा रहा है आज की डेट में। हाँ, लुधियाने के अंदर आप किसी भी हॉस्पिटल का डाटा चुक लो, आज हम कोरोना की बात करते हैं, तो अगर आप कैंसर की डिजीजेस देखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा हैं। इसका कारण पोल्यूशन है, पोल्यूशन बढ़े दे रहा, पानी जो हम पीते हैं वो साफ़ सुथरा नहीं है और हमारे अंदर डिजीज़ बना रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रजत है जी। हम तो हमारा तो जन्म ही इस एरिया में हुआ, बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं, 35-40 साल हो गए तकरीबन। ऐसा है कि पहले इस नाले का पानी बहुत स्वच्छ था, लोग यहाँ पर आके नहाते थे, लोग घूमने के लिए आते थे और लेडीज़ जो थी कपड़े धोने के लिए आती थी। इसको बुढ़ा दरिया बोलते थे, लेकिन अब इसको जैसे जैसे ये पोल्यूटेड होता गया इसको गंदा नाला बोलना शुरू कर दिया। अब तो बच्चों को पता भी नहीं कि इसको बुढ़ा दरिया बोलते थे और पानी स्वच्छ था किसी टाइम पे। कारण क्या है इसका पोल्यूशन और किस तरह का पानी हो गया? ऐसा है कि लुधियाना की जितनी भी इंडस्ट्री है या डाइंग है, अपना सारा वेस्ट जो है, केमिकल वेस्ट जो है, इसमें डालती है, और कॉरपोरेशन भी अपना जो ह्यूमन वेस्ट है इसी में डालती है, इस कारण से ये पोल्यूटेड हो गया। आले दुआले जो आपके घर हैं वहाँ पे पानी किस तरह का, किस तरह की? ऐसा है कि पहले तो हम लोग घरों में हैंडपम्प लगाते थे, वो 60-70 फुट पे स्वच्छ पानी आ जाता था, लेकिन अभी तो 300 फुट तक जाके भी अपना जो पानी गंदा आ रहा है। कॉरपोरेशन भी जो पानी ले रही है को हमें सप्लाई कर रही है वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर आसपास के एरियाज़ में अलग अलग तरह की बीमारियाँ जैसे कैंसर वगैरह वो काफ़ी फैल रहा है। बरसातों में और प्रॉब्लम? बरसातों में तो एक तो मच्छर बहुत हो जाता है, मक्खियाँ बहुत हो जाती हैं,
और आसपास के लोग बीमार हो जाते हैं, इसका पानी भी बाहर कई एरियाज में आ जाता है। सरकार कह रही है कि 650 करोड़ लगा के इसको साफ करेंगे, ब्यूटीफिकेशन करेंगे, क्या लगता है? नहीं, सरकार जो 650 करोड़ बोल रही है वो ब्यूटीफिकेशन का बोल रही है। ब्यूटीफिकेशन यानी आसपास पौधे लगा दिए, सड़क बना दी, ब्यूटीफिकेशन नहीं चलेगा, से नहीं चलेगा, इसका पानी साफ करना होगा तभी समस्या का हल हो पाएगा। बुड्ढे नाले का प्रोजेक्ट जो मैं देखो बहुत खुशी से मैं आपके चैनल से थ्रू सभी लुधियाना शहर वासी और खासकर पंजाब वासी जो आगे भी देख इसकी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे आगे वाला सारा मालवा खेतर, ये प्रोजेक्ट सीएम साहब ने अपने हाथ में ले लिया है और खुशी की बात है। इसके लिए पैसा जो आगे लुधियाना कॉरपोरेशन को शेयरिंग देनी थी वो भी नहीं देनी, उसमें कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है 650 करोड़ का, जो पैसा कहाँ से आना है। वहाँ हमारे शहर के लोकल मंत्री बालभूषण आशीष जी बैठे थे, उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट का जो सारे पंजाब में स्टैंप ड्यूटी 1% इन नदियों के लिए, सारे पंजाब की जो गंदी नदियाँ जो सफाई के लिए 1% स्टैंप ड्यूटी सबसे पहले लुधियाना, उसके बाद अमृतसर की नदी साफ होगी, बुड्ढा नाला साफ होगा। और बता रहे हैं जो प्रोजेक्ट 3 तरीक को उसके टेंडर हो रहे लग रहे हैं, कौन कंपनी टेंडर डालेगी पता लग जाएगा। इसमें सारी ब्यूटीफिकेशन होनी है, जितने STP हैं अप्रोग्रेशन होनी है, हैबॉल डेयरी का ETBA 38 करोड़ का लग रहा है, सभी पैसे उसके साथ साथ रोड बननी है। और उम्मीद है जो पुराना आज से 40 साल पहले बुड्ढा नाला था वो ही नाला जल्दी दिखने वाला लुधियाना शहर वासियों को। तो अभी इसमें कितने साल लगेंगे और कितना की ब्यूटीफिकेशन? जो अब टेंडर ला रहे हैं टेंडर में 2 साल का टाइम दे रहे हैं, बाकी देखते हैं। CM साहब की तो सोच है, मैं अपने टेनोर में बुड्ढा नाला बिल्कुल क्लियर कर दें, मैं उस जो 40 साल से नहीं हो सका हो जाए। अब बात होती है पैसा कहाँ से आना है, पैसा जनरेट करने का उन्होंने तरीका ढूंढ लिया, फाइनल हो गया है, अब तो कोई कमी नहीं, अब तो टेंडर जो कंपनी डालेगी हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो वो तो उन्होंने सर्वे चल रहा है, आपको पता ही है, आपने भी सुना है, उस दिन हमने सर्कल और मैं और DC और हमारे कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली है, अभी वो अक्रोचमेंट की सारी और इसकी अलाइनमेंट देख रहे हैं, वो हमें फाइनल रिपोर्ट करके देंगे, हम फाइनल जहाँ से करके चंडीगढ़ भेजेंगे। तो अक्रोचमेंट भी हटाई जाएगी 100% जिसकी मर्जी, जब नाला साफ करना फिर अक्रोचमेंट की कोई बात, ये नसूर है, ये हमारे चारों MLA साहबान के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में निकल के जाता है, चाहे डाबर साहब हो, चाहे संजय तलवार जी हो, चाहे राकेश पांडे, चाहे इस मंत्री बालभूषण, चारों की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में होकर जाता है, चारों वहाँ हाउस विधानसभा के मेंबर हैं। और इंक्रोचमेंट की कोई बात नहीं, इंक्रोचमेंट दूर की हो कॉरपोरेशन ने करनी है वो बिल्कुल 100% और नहरी विभाग ने ज्वाइंटली एक्शन करेंगे, जो है उनको बिल्कुल दूर किया जाएगा। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि 2 साल में बदल जाएगा, बिल्कुल मैं आपको पहले भी आपके अभी बोल के हटा हूँ, 2-3 साल में जो जितना भी टाइम भी जो पुराना होता था बुड्ढा ना जिसमें बच्चे नहाते थे बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा।